चाय बनाई, चाय पी लो। माँ भूख लगी है, खाना दे दो। अरे कब तक मैं तेरे लिए खाना बनाती रहूंगी, हाँ, और कब तक तेरे कपड़े धोती रहूं? अब तू जल्दी से शादी कर ले। राजा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, तू कहे तो मैं उससे बात करूं, और अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो तुम बता दो। हाँ पापा, मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। देख, शादी वादी तो ठीक है, लेकिन लड़की अपनी कास्ट की होनी चाहिए। हाँ क्या माँ, तुम अभी तक कास्ट में अटकी हो? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, अब तुम्हें भी ना बदलना चाहिए। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। देखो बेटा, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो घर परिवार देखे, और क्या चाहिए। देख बेटा, मुझे तो तुम्हारे ये फैसले बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तू और तेरे पिताजी संभाल लो। लगता है ना माँ, तुम मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। राजा, बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरी माँ को समझा लूंगा। अरे रुक्मणी, अब हमारा लड़का बड़ा हो गया है, उसे अपना अच्छा बुरा सब मालूम है, और फिर हम भी तो चाहते हैं कि घर में बहू आए, हमें गर्म गर्म चाय पिलाए, गर्म गर्म खाना खिलाए। अब मान भी जाओ। देखती हूँ तुम्हें कितना गर्म गर्म खाना खिलाती है वो। चलिए ठीक है, शाम को मिलते हैं। रुक्मणी, अरे ये हमारा बेटा सुबह से गया हुआ है, इतनी देर तो कभी बाहर रुकता ही नहीं, कहाँ चला गया ये? आपका बेटा बड़ा हो गया, मुझे बता के जाता है कभी, जो आज बता के जाएगा, जो मुझसे पूछ रहे हैं। आओ, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो, सदा स्वामी रहो। रुक्मणी, अब मान भी जाओ, भगवान ने हमारे लिए कितनी सुंदर बहू भेजी, देख लो। अरे सुनो, ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। अरे कब मिली, कब जान बचाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे बेटा, जब तुम बाहर गए थे ना, तो तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, और ये वही लड़की है जिसने पूरा दिन तुम्हारी माँ की सेवा की थी। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तेरी पसंद पे नाज है मुझे, तेरी पसंद बिल्कुल परफेक्ट है। माँ माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो।
बचपन में ही ना मेरे माँ बाप मर गए थे और आज भगवान ने फिर से मेरे माँ बाप को मुझसे मिला दिया और राजा जैसे पति भी। रुक्मणी 5 साल हो गए, हमारे घर में चिराग कब आएगा? मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहता हूं, उसे गोद में खिलाना चाहता हूं, उंगली पकड़कर उसे घुमाना चाहता हूं। आप चिंता ना करें, मैं बात करती हूं बहू से। ठीक है पूछ लो, वरना कोई उपाय करते हैं। ठीक है आप चिंता ना करें, मैं पूछती हूँ बहू से। बहू, आ। जी मम्मी जी। क्या बात है, घर में कोई किलकारी की आवाज नहीं गूंजी? हाँ मम्मी जी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है। अच्छा चल, तू परेशान मत हो, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ, हम सब उपाय कराएंगे बेटा। अच्छा परेशान मत हो। हाँ सुनिए। हाँ कहो। तुम्हें याद है वो तांत्रिक बाबा? हाँ हाँ। मुझे लगता है कि अब तांत्रिक बाबा ही कुछ कर सकते हैं, मेरी उनमें बहुत आस्था है, आप देखो ना उन्हें फोन करके। हाँ ये सही कहा तुमने रुक्मणी, अब बाबा ही कोई चमत्कार कर सकते हैं, मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो बाबा जी बोल रहे हैं? हाँ। आप हमारे घर पे आ सकते हैं? अच्छा ठीक है आते हैं। आइए आइए प्लीज। ओके बाबू। हाँ कर दी ना उन्होंने। जी जी अभी आ रही। अब तुम देखना सब सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम परेशान मत हो, मुझे मालूम था सब सही हो जाएगा। बाबा जी अब काहे गला फाड़ रहा इतना, का हुआ? अरे खाने पीने का जुगाड़ हो गया है। अरे का हुआ चेला? अरे खाने पीने का जुगाड़ हो गया है गुरु। कैसे? अरे झार फूंक का ऑर्डर आ गया है। ड्रेसवा कहाँ है? अरे वो हम ले लेंगे ना गुरु। गुरु तू है कि हम है? हा? अरे आप ही है गुरु, तो करे शुरू। हाँ। किसके ऊपर छाया है, मेरे बाबा उसे ठीक कर देंगे, मैं भी उसे ठीक कर दूंगा। बाबा तू है कि मैं हूं? बाबा 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 भूख लगी होगी, जल्दी से बुलाइए, हमारे अंदर की आत्मा फड़फड़ा रही है। मरी बहू को लेके आओ। Thank you.
पूजा संपन्न हो गया है। अरे भाई साहब, आप चिंता ना करें, बहुत ही जल्दी आपके आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हमारे बाबा का कनेक्शन ऊपर तक है, ऊपर तक। भाई साहब, अब हमारा दक्षिणा दीजिए और हमको विदा करिए। जय हो अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। एक बात बताओ गुरु, जब भी पैसा मिलता है आप देसी छोड़ के सीधा विदेशी पे क्यों आ जाते हो? अरे चेला, खाना मिले भा ना मिले, लेकिन दारू हमेशा वीआईपी चाहिए। हाँ? और एक बात बता गुरु, तू है कि मैं? अरे आप ही हैं गुरु। साला, देसी पीने वाले को विदेशी कैसे हजम होगा? लुढ़क गया ना। अब बता गुरु, तू है कि मैं? साला, अब ना देखना सब अच्छा होगा, बस जल्दी से ना हमारे बच्चे को ना हमारी गोद में डाल दो। क्या हुआ? पेन हो रहा है। मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।